सभी एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड्स का अपना एक नेचुरल साइकिल होता है। उदाहरण के लिए वाटर साइकिल, जनरली मैटर या पदार्थ को सूर्य की एनर्जी का यूज करते हुए साइकिल किया जाता है। इस वीडियो में हम कार्बन साइकिल की बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का कार्बन साइकिल में महत्वपूर्ण रोल है। इसमें फिर से सूर्य से प्राप्त एनर्जी का यूज होता है। इसके अलावा हम मनुष्य के योगदान को भी देखेंगे जब हम फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग करते हैं। सबसे पहले नेचुरल यानी प्राकृतिक कार्बन साइकिल की बात करते हैं। क्या आप उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं जिससे पेड़ पौधे कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं? वीडियो को रोकिए और सोचिए। जी हाँ, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कार्बन की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जानवर इन पेड़ पौधों या अन्य जानवरों को खाकर ग्रो करते हैं। इन सभी लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए पौधे और जानवर ऑक्सीजन की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके एनर्जी प्राप्त करते हैं और वातावरण में वापस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। क्या आपको पता है कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वीडियो को रोकिए और सोचिए। इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलिए अब इन सबको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब भी ग्रो करते हैं तो वे छोटे मोनोमर मॉलिक्यूल्स से बड़े पॉलीमर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए हमारी स्किन, मसल्स और अन्य ऑर्गन्स के लिए जरूरी प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं। वहीं सेल्यूलोज और स्टार्च, जिनसे फूल, पत्तियां, जड़ें और पौधों के कई अन्य पार्ट्स बनते हैं, वे शुगर्स के मिलने से बनते हैं। जीन्स को बनाने वाले डीएनए, जो कि सभी लिविंग थिंग्स को कंट्रोल करते हैं, बेसिस, शुगर्स और फॉस्फेट्स से मिलकर बने होते हैं। पेड़ पौधे इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को फोटोसिंथेसिस द्वारा मिलने वाले कार्बन और जमीन से मिलने वाले मिनरल से बनाते हैं। दूसरी ओर जानवरों को ये मॉलिक्यूल्स रेडीमेड मिलते हैं जब वे पौधों या अन्य जानवरों को खाते हैं, लेकिन उन्हें फूड पॉलीमर्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ता है। तो बताइए ये प्रोसेस क्या कहलाता है? वीडियो को रोकिए और सोचिए। इसे डाइजेशन कहते हैं, यानी भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ना ताकि वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो सके। और बेशक इस प्रोसेस में काफी एनर्जी की आवश्यकता होती है। सभी लिविंग थिंग्स यानी सजीव इसे रेस्पिरेशन द्वारा प्राप्त करते हैं। कुछ मोनोमर्स जैसे कि शुगर को ऑक्सीजन के साथ फिर से ज्वाइन किया जाता है और हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का यही मुख्य उपयोग है। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस द्वारा वापस इस साइकिल में आ जाती है।